हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सनी एडू क्लासेस में। दोस्तों, आज मैंने आपके लिए करंट अफेयर्स का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक बदले गए नाम 2024 की अब तक की अपडेटेड वीडियो लेकर आया हूँ। देखिए फ्रेंड्स, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और ट्रेंडिंग टॉपिक है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। देखिए फ्रेंड्स, वो सभी क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं वो आज मैं आपके लिए इस वीडियो के अंदर लेकर आया हूँ। देखिए फ्रेंड्स, सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इंपॉर्टेंट लिए गए हैं। तो इसी के साथ देर न करते हुए आज की इस बेहतरीन क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं फ्रेंड्स आज के पहले क्वेश्चन से। तो आज का पहला क्वेश्चन है, पुराने संसद भवन का नाम बदलकर नया नाम क्या हो गया है? तो देखिए फ्रेंड्स, सही आंसर है संविधान सदन। आप देख सकते हैं ये वही पुराना संसद भवन है जो 1927 ईस्वी में लॉर्ड इरविन के द्वारा उद्घाटन किया गया था। इसी पुराने संसद भवन का नाम बदलकर संविधान सदन कर दिया गया है। देखिए फ्रेंड्स, पहले दिन सदन का संचालन करते समय लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला जी ने सदन को सूचित किया कि पुराने संसद भवन को अब संविधान सदन के नाम से जाना जाएगा, यानी कि संविधान सदन के रूप में जाना जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो इसमें का सभी क्वेश्चन आपको आने वाले एग्जामों में कहीं ना कहीं देखने को मिल सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश के अयोध्या रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या नाम रख दिया गया? तो देखिए फ्रेंड्स, सही आंसर है अयोध्या धाम जंक्शन। आप देख सकते हैं ये वही अयोध्या रेलवे स्टेशन है जिसका नाम बदलकर अयोध्या धाम जंक्शन कर दिया गया है। देखिए फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश में अयोध्या रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अयोध्या धाम जंक्शन कर दिया गया है। आप सभी ध्यान रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन जाने से पहले एक बात बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पे कहीं ना कहीं नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। देखिए फ्रेंड्स, एक क्लास आपको कहीं ना कहीं पसंद आ रही है तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की श्रेणी में किनका नाम हटा दिया गया है? तो देखिए फ्रेंड्स, सही आंसर है इंदिरा गांधी और नरगिस दत्त। आप देख सकते हैं ये वही नरगिस दत्त हैं और ये हैं इंदिरा गांधी। इनका नाम राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की श्रेणी से हटा दिया गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो देखिए फ्रेंड्स, सही आंसर है निरंजन शाह स्टेडियम। आप देख सकते हैं ये वही सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम है जिसका नाम बदलकर निरंजन शाह स्टेडियम कर दिया गया है। देखिए फ्रेंड्स, भारत के राजकोट में एक क्रिकेट स्टेडियम है जिसका नाम सौराष्ट्र क्रिकेट स्टेडियम एसोसिएशन स्टेडियम है, जिसको अब उसको नाम बदलकर निरंजन शाह स्टेडियम कर दिया गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, संयुक्त अरब अमीरात के उपराष्ट्रपति रासिल अल मक्तूम ने अल यूएई मिनहाज शहर का नाम बदलकर नया नाम क्या कर दिया है? तो देखिए फ्रेंड्स, सही आंसर है हिंद शहर। देखिए फ्रेंड्स, संयुक्त अरब के उपराष्ट्रपति रासिल अल मक्तूम ने मिनहाज शहर का नाम बदलकर हिंद शहर कर दिया है। देखिए फ्रेंड्स, बात हो रही है संयुक्त अरब अमीरात की यानी कि यूएई की, तो वहाँ के उपराष्ट्रपति जो हैं फ्रेंड्स वो रासिल अल मक्तूम हैं और वहाँ की जो करेंसी चलती है फ्रेंड्स वो संयुक्त अरब अमीरात दिरहम चलती है। देखिए फ्रेंड्स, संयुक्त अरब की राजधानी अबू धाबी है, वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं मोहम्मद बिन जायद अल नहायन हैं, वहाँ के उपराष्ट्रपति जो हैं राशिद अल मक्तूम हैं और वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं मोहम्मद बिन जायद अल नहायन हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती से बदलकर नई राजधानी कहाँ होगी? तो देखिए फ्रेंड्स, सही आंसर है विशाखापट्टनम। आप देख सकते हैं ये वही आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी जी हैं जो आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती को बदलकर विशाखापट्टनम कर दिए हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हिमाचल प्रदेश के रोहतांग सुरंग का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो देखिए फ्रेंड्स, सही आंसर है अटल सुरंग। आप देख सकते हैं ये वही अटल सुरंग है जिसका नाम पहले रोहतांग सुरंग था, जिसको नाम बदलकर अटल सुरंग कर दिया गया है। देखिए फ्रेंड्स, यह सुरंग 9.02 किलोमीटर लंबी है और यह दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के अयोध्या एयरपोर्ट का नाम नया बदलकर क्या कर दिया है? तो देखिए फिर सही आंसर है महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। देखिए फिर उत्तर प्रदेश के केंद्र सरकार ने अयोध्या एयरपोर्ट का नाम बदलकर महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कर दिया है। देखिए फिर इससे पहले इसका नाम मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम इंटरनेशनल एयरपोर्ट था, जिसका नाम बदलकर महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कर दिया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स,
नागपुर के इतवारी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा गया है? तो देखिए फ्रेंड्स, सही आंसर है सुभाष चंद्र बोस इतवारी स्टेशन। आप देख सकते हैं ये वही इतवारी रेलवे स्टेशन है नागपुर का, जिसका नाम बदलकर सुभाष चंद्र बोस इतवारी स्टेशन कर दिया है। देखिए फ्रेंड्स, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने नागपुर जिले के इतवारी स्टेशन का नाम बदलकर नेता सुभाष चंद्र बोस इतवारी स्टेशन करने का फैसला कर लिया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करी रोड स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो लालबाग स्टेशन रखा गया है। स्टैंड हर्ड रोड का नाम नया बदलकर क्या रखा गया है? तो डोंगरी स्टेशन रखा गया है। मरीन लाइसेंस स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो मुंदा देवी स्टेशन रखा गया है। काटिन ग्रीन स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो काला चौकी स्टेशन रखा गया है। चरनी रोड स्टेशन का नया नाम क्या रखा गया है? तो गिरगांव स्टेशन रखा गया है। डार्क यार्क रोड स्टेशन का नाम क्या रखा गया है? तो मझगांव स्टेशन रखा गया है। किंग सर्कल स्टेशन रोड का नया नाम क्या रखा गया है? तो तीर्थ पार्श्वनाथ स्टेशन रखा गया है। लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मुंबई सेंट्रल स्टेशन का नया नाम क्या रखा गया है? तो नाना जगन्नाथ शंकर सेठ स्टेशन रखा गया है। आप सभी ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए फ्रेंड्स, ये क्लास आपको कहीं ना कहीं पसंद आ रही है तो इसे लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर कहीं ना कहीं नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, लखनऊ के इकाना स्टेडियम का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो देखिए फ्रेंड्स, सही आंसर है अटल बिहारी वाजपेयी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम। देखिए फ्रेंड्स, लखनऊ के इकाना स्टेडियम का नाम बदलकर अटल बिहारी वाजपेयी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम कर दिया गया है। देखिए फ्रेंड्स, भारत का 91वां इंटरनेशनल ग्राउंड जिसका नाम इकाना स्टेडियम था, उसका नाम बदलकर अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम कर दिया गया है। देखिए फ्रेंड्स, अटल बिहारी वाजपेयी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम कहाँ है? तो लखनऊ में है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश के हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम क्या कर दिया गया है? तो देखिए फ्रेंड्स, सही आंसर है रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। आप देख सकते हैं ये वही हबीबगंज रेलवे स्टेशन है जिसका नाम बदलकर रानी कमलापति रेलवे स्टेशन कर दिया है। देखिए फ्रेंड्स, हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर रानी कमलापति स्टेशन कर दिया गया है। एक क्वेश्चन है मेरा आपसे कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पुणे के आर्मी स्पोर्ट इंस्टीट्यूट स्टेडियम का नाम किस खिलाड़ी के नाम पर रखा जाएगा? तो देखिए फ्रेंड्स, सही आंसर है नीरज चोपड़ा। आप देख सकते हैं ये वही जेवलिन थ्रो गोल्डन प्लेट खिलाड़ी हैं जो पुणे के हैं और इन्हें आर्मी स्पोर्ट इंस्टीट्यूट स्टेडियम का नाम दिया जाएगा। ये पहले खिलाड़ी हैं जिन्हें आर्मी स्पोर्ट इंस्टीट्यूट स्टेडियम का नाम दिया जाएगा। किसके द्वारा दिया जाएगा? तो हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा दिया जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, पुणे आर्मी स्पोर्ट इंस्टीट्यूट ASI का नाम बदलकर सूबेदार नीरज चोपड़ा स्टेडियम कर दिया गया है, जिसका ऐलान शुक्रवार के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया है। आप सभी ध्यान रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा जाएगा? तो देखिए फ्रेंड्स, सही आंसर है शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन। आप देख सकते हैं ये वही शहीद कैप्टन तुषार महाजन है जिनका जिनके नाम पर रेलवे स्टेशन बनाया जाएगा, जिसका नाम बदलकर उधम रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन बनाया जाएगा। हाँ, देखिए फ्रेंड्स, उधमपुर रेलवे स्टेशन जो जम्मू कश्मीर के उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम है, जिसे बदलकर उधमपुर रेलवे स्टेशन को अब शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन के नाम से जाना जाएगा। आप सभी ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन आपको आने वाले एग्जाम में कहीं ना कहीं देखने को मिल सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, नई दिल्ली की प्रवासी भारतीय केंद्र का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो देखिए फ्रेंड्स, सही आंसर है सुषमा स्वराज भवन। देख सकते हैं ये वही सुषमा स्वराज है जो भारत की पहली विदेश मंत्री होती थी, अब इनके नाम पर नई दिल्ली प्रवासी केंद्र का नाम बदलकर सुषमा स्वराज भवन कर दिया गया है। देखिए फ्रेंड्स, केंद्र सरकार ने प्रवासी भारतीय केंद्र का नाम बदलकर विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के नाम पर सुषमा स्वराज भवन कर दिया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, तुर्की देश का नया नाम क्या हो गया है? तो देखिए फ्रेंड्स, सही आंसर है तुर्की ए। देखिए फ्रेंड्स, तुर्की ए तुर्की देश का नया नाम बना दिया गया है। देखिए फ्रेंड्स, हाईलाइट तुर्की देश के राष्ट्रपति रेचेप तैयप एर्दोगन अंकारा संयुक्त राष्ट्र ने तुर्की गणराज्य का नाम बदलकर अनुरोध को स्वीकार कर लिया है और संयुक्त राष्ट्र में अब तुर्की का नाम
तुर्की के नाम से जाना जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, महाराष्ट्र के दौलताबाद किले का नाम बदलकर क्या नाम कर दिया गया है? तो देखिए फ्रेंड्स, सही आंसर है देवगिरी किला। आप देख सकते हैं ये वही देवगिरी किला है जो महाराष्ट्र के अंदर स्थित है, जिसे पहले दौलताबाद किले के नाम से जाना जाता है, अब इसका नाम बदलकर देवगिरी किला कर दिया गया है। आप सभी ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, साबरमती घाट जो गुजरात में है इसका नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो देखिए फिर सही आंसर है अटल घाट। आप देख सकते हैं फोटो में ये वही साबरमती घाट है जिसको अब गुजरात में है, जिसको अब नया नाम बदलकर अटल घाट कर दिया गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अंडमान निकोबार के नील द्वीप का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो देखिए फिर सही आंसर है सहद्वीप। देखिए फिर अंडमान और निकोबार के अंदर नील द्वीप है, आप देख सकते हैं ये वही नील द्वीप है जिसका नाम बदलकर सहद्वीप कर दिया गया है। देखिए प्रधानमंत्री रीस द्वीप समूह का नाम बदलकर नेता सुभाष चंद्र बोस द्वीप रखा था, उस वक्त नील द्वीप और हैवलॉक द्वीप का नाम बदलकर सहद्वीप और स्वराज द्वीप कर दिया गया था। आप सभी ध्यान रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत में पहली बार किस हॉकी स्टेडियम जो रायबरेली हॉकी स्टेडियम का नाम किस खिलाड़ी के नाम पर रखा जाएगा? देखिए फ्रेंड्स, सही आंसर है रानी रामपाल। आप देख सकते हैं फोटो में ये वही रानी रामपाल जी हैं जो भारत के अंदर पहली बार हॉकी स्टेडियम जो रायबरेली हॉकी स्टेडियम है इसका नाम बदलकर रानी रामपाल के नाम पर रखा जाएगा। आप सभी ध्यान रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, महाराष्ट्र के अहमदनगर शहर का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा गया है? तो देखिए फ्रेंड्स, सही आंसर है अहिल्या नगर। आप देख सकते हैं ये वही अहमदाबाद नगर है जिसके नाम को बदलकर अहिल्या नगर बना दिया गया है। देखिए फिर महाराष्ट्र सरकार इंदौर की रानी अहिल्या होलकर की याद में अहमदनगर शहर को अब बदलकर अहिल्या नगर कर दिया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की सरकार कांकोरी कांड का नया नाम क्या कर दिया है? तो देखिए फिर सही आंसर है कांकोरी ट्रेन एक्शन। आप देख सकते हैं ये वही कांकोरी कांड है जिसका नाम बदलकर कांकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया है। देखिए फिर 9 अगस्त 1925 ईस्वी में लखनऊ के किलो कांकोरी रेलवे स्टेशन पर ट्रेन की सरकारी खजाने को लूटने की घटना को अंजाम दिया गया है, जिसे कंकारी कांड का नाम कंकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के झांसी रेलवे स्टेशन का नाम क्या किया दिया गया है? तो देखिए फ्रेंड्स, सही आंसर है वीरंगना लक्ष्मी बाई। आप देख सकते हैं ये वही वीरंगना लक्ष्मी बाई है जो उत्तर प्रदेश के अंदर स्थित है, इसका नाम बदलकर वीरंगना लक्ष्मी बाई कर दिया गया है। देखिए फिर झांसी के रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर वीरंगना लक्ष्मी बाई झांसी कर दिया गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कोलकाता के राजभवन में प्रतिष्ठित सिंहासन कक्ष का नाम बदलकर नया नाम क्या कर दिया गया है? तो देखिए फ्रेंड्स, सही आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल एकता कक्ष। देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये वही सरदार वल्लभ भाई पटेल एकता कक्ष है जो पहले कोलकाता में राजभवन की प्रतिष्ठित सिंहासन कक्ष का नाम है, इसका नाम बदलकर सरदार वल्लभ भाई पटेल एकता कक्ष कर दिया गया है।